पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो आपके छुट्टों पे लाते मारेगी, आप कुछ भी नहीं मेरा बिगाड़ सकते वहां पे, वो मुझे वेलकम करेंगे। मारेगा आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट, आपको जूते मारेगी, मुझे मुझे मेरी तो वो प्रोटेक्शन करेंगे, वेलकम करेंगे मुझे, और आपके जूते पड़ेंगे तो कैसी गवर्नमेंट है वो है जी, मुझे तो वहां वेलकम किया जाएगा, गाड़ी आके लेने लेने के लिए आएंगी। आप मौलवी क्या कर सकते हैं? अरे ठीक हो गया, अभी डिबेट भी तो शुरू करें, ये तो आपकी हलमिया जानियां और बोलनियां काफी हो गई हैं। चलो ठीक है, बड़ी छोटी आपने हां जी, आप कह रहे थे कि वो किताब के बारे में आपने पूछना है, उसके मुताबिक बड़ी बातचीत करनी है, जो क्रिमिनल एक्ट प्रॉफिट मोहम्मद आपने मुझे खोल खोल के दिखाई थी, पढ़ी उस किताब को? जी पढ़ी है मैंने। और अच्छा दो मिनट का रख रहे हैं, मेरी तो जरूरत नहीं बढ़ रही, क्योंकि दस पहले दस सफों से आगे मैं पढ़ू, मैं जरूरत नहीं बढ़ रही, मेरी मेरे मेरे जज्बात मुझे इजाजत ही नहीं दे रहे, उसके पहले मैंने वही दस सफे पहले जो है ना। चलो दस सफे, अच्छा आप मुझे बोलने दें या दो मिनट आप लें पहले प्लीज। जी पहले आप बोल लें, किताब के ऊपर गुफ्तगू कर रही है, आपने कहा था कि इस पे बड़ी बहस है, बातचीत आप दो मिनट आपके पास है, दो तीन मिनट कर ले, तीन मिनट कर ले, तीन तीन मिनट कर ले, तीन मिनट आपके पास है, आप जो ना उस किताब के एक किताब हाँ और उसका पहला सफा जो है ना पढ़े, उसको पढ़ ले आपने और उसको उर्दू ट्रांसलेट कर ले, करें। Can you give me Criminal Act Prophet Muhammad in English? एक सेकंड लगता है, अभी वो लेने जा रही है, अभी पढ़ाता हूँ आपको। ये वक्त भी आ गया है कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, कमाल हो गई है, वाह 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 वाह। ये कब आएगी इस्लामी हुकूमत, है रोल लगा लगा के थक गए, और फिर आप ये भी नहीं देखते कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कानून, वो आपके ठुकर खिलाफ है इस्लाम। मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद। छोड़े कानून तो उसका देखे पहले, उसने लिखा था कि ना कोई इंडियन ना कोई मुसलमान मुसलमान रहेगा, ना कोई हिंदू हिंदू रहेगा, सब इस कानून के इक्वल बराबर शहरी होंगे। और ओके मैं पढ़ता हूँ आपको, पहला सफा पढ़ देता हूँ, ठीक है आगे पहला सफा पढ़ेंगे और साथ उसकी उर्दू करेंगे। हाँ अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, आप अभी तक कच्चे कच्चे किस्म के नबियों से मिले हैं, अभी बढ़ देता हूँ। मैं शराब नहीं पीता, नहीं बताए तो नहीं, नहीं मैं शराब नहीं पीता, मैंने आपको कह दिया। नहीं तो नहीं ना करें आप, मैं कसम भाई का नाम बताएं, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अगर तुम झूठे मौलवी नहीं हो तो आपने ये लाश की खानी है, मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ ये लाश क्यों खाए एक नंबर का छोड़ा। अच्छा ये जल्लाद, आप ये जल्लाद कहते हैं, ये तो आप फिर बेइज्जती करते हैं तौरात की, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एक नाम है जलाद जो है हिब्रानी, जो अब हम कहते हैं हिब्रो इंग्लिश में, अब्रानी जुबान में उन्होंने जलाद एक जलाश एक नाम दिया हुआ है खुदा को। और नहीं है झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ तो जैसे ये मौजूद जलाद पे नहीं अभी कुरान। चलो ठीक है, लाउड सुने The Criminal Act of Prophet Muhammad. This book is written. आप अस्तगफिरुल्लाह आराम हल्का पढ़ें ताकि मैं पढ़ सकूं. This book is written with the deep desire of Prophet Muhammad. तो ये किताब लिखी गई है क्योंकि रसूलुल्लाह ने मुझसे पूछा है, मोहम्मद ने पूछा कि मैं ये किताब लिखूं. Because since about 1400 year He lived under very difficult circumstances. 1500 साल गुजर चुके हैं और रूह की दुनिया में बड़ी तकलीफ में बैठे हुए हैं मोहम्मद, और चाहते हैं कि और पैगाम दें, स्पिरिचुअल मैसेज टू द इस्लाम एंड द वर्ल्ड, और वो चाहते हैं अपना पैगाम दें इस्लाम को और इस दुनिया को। थ्रू मी एज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ इसलिए मेरे ज़रिए ही रिसीव द अपॉर्चुनिटी टू कन्फेस बट ही वेंट रॉन्ग इन इस्लाम, तो मेरे ज़रिए वो बातें बता रहे हैं कि इस्लाम के अंदर और कुरान में जो बातें लिखी हैं अपनी तरफ से वो खुदा की तरफ से नहीं थी। कन्फेस
what went wrong in Islam or क्या गलत हुआ इस्लाम के अंदर and his personal life और उसकी जाती जिंदगी के अंदर. In Islam as in Christianity appeared many saints. जैसे कि हदीस और कुरान में गलतियाँ हैं वैसे ही तौरात और अंजील में गलतियाँ हैं. बहुत से जो है मौलवी मुफ्ती सूफी ये लोग आए हैं इसी तरह अपना क्रिश्चियनिटी में और वो जब भी आते हैं सपनों में ये वहाँ तक तो ठीक है लेकिन जब वो चेंजिंग कहते हैं तब्दीली तो ये ईसा को और मोहम्मद को कहते हैं कि शैतान आया हुआ था. बोथ इस्लामिक एंड क्रिश्चियन सेंट आर ब्लॉक ऑफ द कुरान एंड बाइबल. दोनों किस्म के जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है वो बाइबल और कुरान के कीड़े बन चुके हैं. एंड ऑल्सो ऑफ मोहम्मद एंड चीज़ वो मोहम्मद और चीज़ जो है फरिश्ते जो हैं उनको नीचे भेजते हैं आलम बरज़ख से जाओ और अपनी उम्मतों को ठीक करो क्योंकि वो गलत अकायद के ऊपर हैं. और वो गलत अकायद किसने पैदा किए हैं ईसा ने किए हैं मोहम्मद ने किए और दूसरे नबियों ने किए हैं. दिस ओवरवेलमिंग लव ऑफ देयर फाउंडर मेड देम सो ब्लाइंड. जिस किस्म का इश्क मुसलमान करते हैं जिस किस्म का इश्क ईसाई करते हैं अंधे उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है. और मोहम्मद और ईसा जो हैं आलम अरवा में तकलीफ में हैं दुख में हैं वो नहीं चाहते वो चाहते हैं कि खुदा की राह ठीक हो. मैनी टाइम्स हैवन रिवील्ड द सेंट ऑफ बोथ. मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं यहाँ पे दे देता हूँ. द फाउंडर एंड व्हाट इज द रॉन्ग इन द बाइबल. ये जो सूफी आए हैं जब उनको सही पैगाम दिया गया तो उन्होंने उस पैगाम को छुपा लिया. उसकी वजह ये थी कि वो झूठे और अंधे इश्क में मुब्तला थे. व्हेन दे ओपन देयर होली बुक्स दे फाउंड मैनी कॉन्ट्रडिक्शन. इसी तरह कुरान और हदीस में बहुत से तजादात हैं. इन द हेवनली रेगुलेशन दे कंक्लूड दैट दोज रेगुलेशन डिड नॉट कम फ्रॉम हेवन बट फ्रॉम सैटन. और इसी तरह बाइबल और तौरात में इसी तरह कुरान में बहुत से पैगाम जो हैं वो मोहम्मद और ईसा की अपनी सोच हैं और शैतान ने उन पर असर डाल दिया है उन पैगामों के अंदर. सो दे कंक्लूड दैट दोज रेवलेशन डिड नॉट कम फ्रॉम हेवन बट फ्रॉम सैटन. ईसा और मोहम्मद ने मुझे बताया है कि वो गलतियाँ हो चुकी हैं. वो जो दिल में उतारा गया था जो हम समझे वो गलत और वो सही पैगाम जो है वो फरिश्तों और खुदा की तरफ से नहीं था. एंड बिकम द स्टैंडर्ड एंड ऑल द रेवलेशन विच डू नॉट टेल द बाइबल एंड होली ये कुरान. तो जब ये ना होली कुरान है मुकद्दस कुरान है और ना ही बाइबल जो है वो मुकद्दस बाइबल है. ये खुदा की तरफ लिखी गई में बहुत सी गलतियाँ हैं. मस्ट कम थ्रू सैटन और ये मिक्स हो चुके हैं नबियों के ख्यालात के मुताबिक. ओके इन दिस वे इन थाउजेंड ऑफ ईयर नीदर इन इस्लाम नॉट क्रिश्चियनिटी रिफॉर्मेशन को टेक प्लेस. इसलिए 1500 साल इस्लाम को हो गए हैं 2000 साल ईसाइत को हो गए हैं और दोनों में कोई इस्लाह की गुंजाइश नहीं है क्योंकि इधर भी और उधर भी ये सब अंधे मौलवी मुफ्ती हैं जिन्होंने खाना खराब किया हुआ ब्लॉक कर रहे हैं. इन दिस केस सैटन हैज प्ले द बेस्ट चेस एंड डिसीव्ड द थ्रू द देयर ओन वेपन. और इस शैतान जो है ये दाखिल हो चुका है मुफ्तियों और उधर भी मुफ्तियों में और वो पैगाम जो है असल वो इस्लाम का नहीं दिया जा रहा. गॉड इज अ लिविंग गॉड. खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और ये गलत बात है कि ला नबी बादी दैट नो प्रॉफिट कैन कम आफ्टर मोहम्मद. ये मोहम्मद की अपनी सोच थी और वो चाहता था कि इस्लाम के अंदर कोई नबी ना आए. हिज काइंडनेस एंड हेल्प आर स्टिल देयर इन आवर प्रेजेंट एंड गॉड इज स्टिल स्पीकिंग टू mankind एंड प्रॉफिट विल बी कंटिन्यू ऑन दिस अर्थ एंड दे विल बी कंटिन्यू विद अस ऑन द किंगडम अंटिल द किंगडम ऑफ गॉड एस्टेब्लिश. हत्ता के वो दुनिया आ जाए जिसका खुदा ने वादा किया है कुरान में और तौरात में और अंजील में कि जमीन के वारिस उसके मोहब्बत करने वाले होंगे. इबादत गुजार नहीं इबादत जो है ये इसका जो फल है वो मोहब्बत इलाही है. सब्सटेंशली ऑन अर्थ गॉड इज नॉट ए डेड गॉड. खुदा कोई मरा हुआ खुदा नहीं है. हु स्पोक ओनली विद आदम नोहा इब्राहिम मोसी चीज़ और मोहम्मद. खुदा कोई मरा हुआ खुदा नहीं है कि उसने सिर्फ बात की है आदम से नोहा से मोसिस से चीज़ ईसा से और मोहम्मद से. ये झूठ है इन द फैस.
He did not die. He is still living God. वो अभी तक जिंदा है and speaking direct. And now the true he is also speaking in our time. और हमारे जमानों में भी वो बोल रहा है. और मेरी जो किताबें हैं ये मुकद्दस किताबें. एक सफा ये ना भी. एक ही सफा पढ़ा मैंने. अब दूसरा सफा शुरू करने लगा था. नहीं नहीं दूसरा ना करे. एक सफा. अच्छा तो एक आई नीड टू नो. एक फेटिश. ओके. आखिरी बात की ये सुलेमान रुश्दी की किताब नहीं है. इसमें से अगर मुझे कोई चीज प्रूफ कर दे सुलेमान रुश्दी की तो मैं आपको मान जाऊंगा. मैं अभी मैं बात करने लगा. मेरा टाइम है. इस पूरे सफे के अंदर ये जितनी भी आपने ये अपनी बकवासात जो है ना यहाँ पढ़ के सुनाई है इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज मरकरी है कि मुझे मेरे खुदा ने बताया कि ये तौरात भी झूठी है, ज़बूर इंजील ये झूठी है, कुरान भी झूठा है, सारे नबी जो है ना झूठे हैं, तो फला चीज सब मनसूख हो गया है. नहीं. जितनी भी बला 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 आपने कहा कि वो सब मनसूख हो गया, तो ये मेरे खुदा ने मुझे असल में बता दी. मैंने ये कहा है कि जो मजमून है कुरान में अंजील में उनमें गलतियां हैं. मैंने ये नहीं कहा गलतियां हैं. मैंने ये नहीं कहा कि वो चले चले ठीक है कोई बात नहीं. ये कहा आपने कि कुरान के मजमून के अंदर गलतियां ठीक है. आपने ये कहा कि कुरान के मजमून कहा ठीक है कोई बात. कुरान की पहली गलती कौन सी? कुरान में लिखा हुआ है ला इकरा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं. अब आते हैं हदीस की तरफ. कुरान पे रहे आपने ये कहा स्टेटमेंट ये दी कि कुरान के अंदर गलती है. हदीस में तो एक्शन हो रहे हैं. क्या कुरान की तरफ हदीस को छोड़ दे. नहीं हदीस एक्शन हो रहे हैं जो वो हदीस में है जो ये अमल हो रहा है. बात में आपने अभी क्या कुरान तो वो जो है. अब मैं आपको तजाद बता रहा हूँ ना. तजाद क्या है? तजाद नहीं आपको बता रहा पहले सुन तो ले. लिखा हुआ है कि मजहब में जबर नहीं. अब हदीसों में ये लिखा हुआ है कि जब तक एक शख्स जो है वो इस्लाम के अंदर. आपने देखे इस सफे की बात हमने की है और आपने कहा कि नहीं मैंने ये कहा कि कुरान के अंदर गलतियां हैं ठीक है. उसमें भी हदीस नहीं कहा. आप हदीस की मिसाल क्यों दे रहे? वो इसलिए कि मैं पहले आपको तजाद बता दूं. इसके बाद तो फिकह की किताबें आएंगी. वो मैं तजाद बता दूं पहले. आप फिकह कुमा की किताबें आने की आप वो भी उसके अंदर से निकाल के देंगे. आप कहेंगे उसके अंदर भी ये भी हम निकाल के देते हैं. अच्छा कुरान की चीज देखो ना. तजाद ये है कि एक तरफ कुरान पेश कर रहे हैं मोहम्मद और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके मुखालिफ बात कर रहे हैं. और वो ये कि अगर एक शख्स भी जब तक इस्लाम नहीं लेके आएगा ये जहाद जो है उसके साथ उतर रहेगा. ये तो तजाद हो गया है. अब आप कहते हैं कुरान जो है वो कामिल किताब है. इस पे भी आ जाए. मैं कहता हूँ कुरान से बताता हूँ ला इकराह फिद्दीन के अंदर कौन सी गलती है. भाई मैं बता दूंगा कि पहले कहा जा रहा है कि मजहब में जबर नहीं है ठीक है. आखिरी बंदे तक आपने जहाद करना है. कुछ बात करते हैं इधर कुछ बात करते हैं एक्शन इधर लेते हैं बात उधर करते हैं. तो ये तो हर बात होगा ना. आपको मैंने कहा था आप जो शराब पीते हैं उसको बदले. आपका शराब आपका दिमाग दिन दिन खराब कर रही है. देखे मैं आपको कह सकता हूँ मुबशर साहब मुबशर साहब मुबशर साहब मैं आपको कह सकता हूँ मुबशर साहब मैंने आपको आपको मैं 10 दफा कह चुका हूँ कि मैं शराब नहीं पीता. अब मैं ये इल्जाम आपको भी कह सकते हूँ कि आप चरस पीते हैं और आप मुझे कहेंगे कि मैं नहीं पीता. मुझे चाहिए कि मैं आपकी बात पर यकीन करूं. आपके दिल में क्या आप तो आप मन अल्लाह कल में शक ही आप मेरा दिल फाड़ के देख रहे हैं. आप मेरा आप तो मोहम्मद के इस्लाम चाह रहे हैं. उन्होंने कहा अल्लाह कल में शक ही क्या तूने उसका दिल फाड़ के देखा था कि वो झूठ कलमा बोल रहा था. तो जब मैं 5 दफा दे चुका हूं कह चुका हूं
कि मैं कसम खा रहे कि मैं नहीं पीता और फिर भी मुझे झूठा कहे जा रहे हैं। अगर मोहम्मद आज होते ना तो तुम्हारे जूतियां मारते, लानत देते, जैसे उधर कहा वो कहते चले गए अल्लाह कल भी शकी ही, अल्लाह कल भी शकी ही, तूने उसका दिल फाड़ के देखा था कि वो झूठ बोल रहा था। जो तुम तो खुद अपनी सुनत पे नहीं अमल कर रहे, कोई खौफे खुदा किया करो तुम है? मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से क्या, पहले बंदे के हुक्म की बात कर रहे हैं कि जो आपने अभी दो चीजें पढ़ी हैं, आपको गलती कहाँ पे महसूस हुई है? गलती ये महसूस हुई है मैं एक बात करूं और उसके बिल्कुल मुखालिफ करूं, ये है गलती सबसे बड़ी। मोहम्मद कुरान में जब ये कह रहे हैं तो फिर ये ना कहे ना, मरते वक्त तक कह रहे हैं कि अरब के अंदर दो मजहब ना रहे, ये तो जबरदस्ती हो गई। फिर सिर्फ इस्लाम रहे, जब ला इकराम दीन है तो फिर हर मजहब को इजाजत दे दी जाए अरब के अंदर, उधर कुछ इधर कुछ, इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन बिलीव एंड द वर्ड। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ यही पेश कर रहा हूं, फिर आप कहते हैं कामिल है कुरान, मुकद्दस कामिल है। कुरान तो कामिल नहीं है, कुरान अपना खुद ही बयान करता है। अलीफ लाम मीम ज़ालिकुल किताबी, ये राह दिखाती है, हुदल्लिल मुत्तकीन सिर्फ मुत्तकियों को राह दिखाती है। तो आपने कैसे कह दिया कि कामिल है? कामिल तो जब होता है जब हर चीज को, हर शख्स को राह दिखाती है कुरान है। तो तू आपका कुरान खुद ही कह रहा है कि ये कामिल नहीं है, बल्कि राह दिखाता है उनको जो मुत्तकी है, जो ईमान ले आए हैं। हर ऐरे खैरे नथे खैरे को राह नहीं खाता, तो कुरान कैसे मुकद्दस हो गया? आपकी दीन के अंदर आपको गलती कौन सी महसूस हुई? बिदे क्या कहा? सलमान रुश्दी ने भी इस किस्म की बगैरतियां की थी अपनी किताब के अंदर, वो भी मेरे सामने होता तो मैं उसे ये सवाल करता। आज उसका छोटा भाई मेरे सामने है और वो भी यही बगैरती दोहरा रहा है। सुलेमान रुश्दी, मैंने आपको भाई से पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ ला इकराहा हदीसों को उठा के फेंको, फिर कुरान की बात करेंगे। कब तो बिल्कुल अलग कहो कि हम इनको मानते ही नहीं, फिर हम कुरान के ऊपर आते हैं। कौम को देखे ना, तो इंसानी को चाहिए। आपने जो बकवास कुरान के बारे में करते, थोड़ी सी बकवास का दायरा कर वसी कर देते तो ये भी लिख देते कि हदीस के अंदर भी गलती है। तो हदीस के ऊपर की गुफ्तगू, मैं तो हर जगह आपकी गलतियां बयान कर रहा हूँ, जितनी भी गलतियां सब बयान कर रहा हूँ। फिर अपनी बात पे तो टिकने का मतलब ठीक है, आपने पिछले हफ्ते मुझसे एक बात और की थी, बोला ना आपने। अच्छा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, कुरान के अंदर गलतियां हैं। अच्छा पहली मिसाल आपने दी, कोई आपको जो है ना, आप बात गलत हुई है तो पहले आप बोला करें फिर मुझे बोला। मैंने जवाब देना इसका, तो फिर आप बीच में रख देना, डाला करें ना अपना उसकी गलती। मैं बताता हूं, जब कुरान एक बात कह रहे हैं तो उस पर सबसे पहले अमल कौन करेगा? मैं करूंगा, मोहम्मद खुद करेगा अमल, तो वही गलत हो जाती है ये बात ला इकराह फी दीन। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो इस्लाम मानते हैं रसूलुल्लाह को, उन्हें कैसे पता कि ये कुरान जो है वो खुदा की तरफ से उतरा है? उन पे ईमान लेके आए हैं ना, इसलिए ईमान लेके आए हैं कि कबूल किया कि ये खुदा की तरफ से है। तो अगर वो नमूना नहीं बनते, एक बात कहते हैं उसके खिलाफ कहते हैं, तो कुरान को कौन मानेगा? फिर कुरान में कहते हैं ला इकराह फिद्दीन और उधर कहते हैं कि अरब में दो मजहब ना छोड़ जाए वफा के वक्त, और फिर यह कि अगर एक शख्स भी इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, इस्लाम तो मेरा जहाज उसके साथ उतर रहेगा। ये तो मोहम्मद सबसे पहले कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, तो इन बातों को क्यों नहीं पेश किया जाएगा? ये कौन सी चीज है? ये कौन सी चीज है? ये कौन सी चीज है? ये हदीस जो थी आप पढ़े, अब कोई सुपर सुपर की बात आई है, ये सुपर पढ़ रहे हैं आपने अपने पास? नहीं, वो मकान के अंदर वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सुराख मुझे ये बताएं कि क्या इसका नाम है?
इमाम बुखारी के अंदर तो आतर के साथ है, आप पढ़े ना उसको सारी हदीस।